वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं कोणार घूमने। अभी बज रहे हैं टाइम 9 बजे। तो रमन तैयार हो गया है। रमन इधर है, शिवशंकर और बीरू। और आज कुछ फंक्शन हो रहा है कॉलेज में, तो बहुत सारे बच्चे भी बाहर से आए हैं। तो ये वर्कशॉप कुछ हो रहा है, तो अब गाड़ी में अभी निकलेंगे कोणार। तो मिलते हैं कोणार में। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हर महादेव। बीरू आराम से चलाना, रिलैक्स होकर चलाना। 3 साल बाद प्रमोशन हुआ, 4 साल प्रमोशन इसमें लेट होता है। ऑलमोस्ट हम सारा डिस्टेंस कवर कर लिए हैं। अभी कोणार के यहाँ से है अप्रॉक्स 10 किलोमीटर। अभी इधर धान की खेती हुई है, अभी धान लगाया गया है। इधर दूर देखा जाए तो बस नारियल ही नारियल, जहाँ देखो वहाँ नारियल। चलो फिर मिलते हैं कोणार में। फाइनली हम आ चुके हैं कोणार्क मंदिर पे। ये है पार्किंग इसका, गाड़ी इधर खड़ी है हमारी। अभी जा रहे हैं टिकट लेने, उसके बाद देखते हैं मंदिर कैसा है। अभी इसका हिस्ट्री भी बताएंगे, क्या हिस्ट्री है इसका। बहुत बड़ी पार्किंग है इसकी, इतनी गाड़ियां पार्किंग में, उससे ज़्यादा कहीं तो बाहर खड़ी हुई हैं रोड पर। और बसेज हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आज चूँकि संडे है। चलो फिर मंदिर में मिलते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर के एंट्री गेट के सामने, जा रहे हैं अभी मंदिर देखने। अच्छा बनाया गया है, हमें 11th सेंचुरी बोलेंगे। विशाल लाइन में लगा हुआ है, सुनिए जहाँ लाइन लगी है। तो वेलकम बैक गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं कोणार्क पे। हमारे सामने पूरा है कोणार्क का सन टेम्पल, ये सब लोग आ रहे हैं। कितना टाइम लगा बीरू पहुंचने के लिए? 2 घंटा लग गया था हॉस्टल से आने में। कितने बजे निकले थे? साढ़े नौ बजे। अभी बज रहा है 12 बजे। तो टिकट विकेट काट लिया। टिकट काटने के बाद हम अभी चल रहे हैं आगे, जाके वो टिकट काउंटर पे टिकट देना है। तो उस साइड जा रहे हैं रमन और शिवशंकर। शंकर भैया लगे हैं टिकट काटने, टिकट काट रहे हैं। रमन कुछ नहीं कर रहा है, फिर उसको डांट बोलो। देखो हम जा रहे हैं आगे आगे, वहाँ जा रहे हैं रमन। अच्छा पहले ये टॉप ही है ना? क्या रमन समझाओ? क्या समझाना? ये सन टेंपल है क्या? छाया देवी टेंपल। बोलने के नाम पे इसकी हालत खराब हो जाती है। तो रमन, रमन एक्सप्लेन। तो हमको बताइए कुछ शॉर्ट में कोणार्क के बारे में। माइक मार, क्या बताना है भाई? अच्छा इससे आएगा क्या? लो माइक कीजिए। और अरे नेता मंदा का फैशन देश
तो बोलो जो कुछ पता है जितना पता है कुछ शॉर्ट में बोल दो। अब चलो नहीं क्या डॉगिंग कराओगे इससे बोलो मैं क्या बताऊंगा। ये जो आप स्टाइल ऑफ स्कल्पचर देख रहे हो इसको आप बोल सकते हैं स्कल्पचर इस फोटो टाइम बाकी समझ तो रहे हो नहीं बताए हम क्या स्कल्पचर के बोलते हैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जानना हो तो एक बार बस गूगल कर लेना ताकि सब समझ जाओगे हम क्यों नहीं बता रहे हैं। पहाड़ दिखा रहे हो नक्काशी दिखा रहे हो या आई शुड नो दैट आई एम फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर काइंड इंफॉर्मेशन। तो देखिए ये जगन्नाथ जी के रथ की तरह लग रहा है। आज संडे है आज लोग तो भरे ही भरे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कोणार्क टेम्पल है हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो सेफ है ये एक रथ की सेफ्टी है और कार्ट सेफ्टी है। तो ये देख सकते हैं ये टेम्पल है और दोनों साइड वो कार्ट सेफ्टी रथ बनाया गया है। यहाँ जो व्हील है सेम उस साइड भी है। ये अभी तो इसके अंदर भगवान के नहीं है अभी इस पर नहीं है मंदिर मंदिर के अंदर भगवान जी नहीं है। तो क्या हुआ था इसके जस्ट पीछे चंद्रभागा करके एक समुंदर है सी बीच है। तो चंद्रभागा के किनारे कोणार्क सन टेम्पल बनाया गया था शायद 12th या 13th सेंचुरी में बनाया गया था। लांगुला नरसिंह देव करके एक राजा थे उड़ीसा के वो बनाए थे। और फिर क्या हुआ था पहले इसको ऐसे बनाया गया था लेकिन इसमें इसको बनाने के लिए 1200 लोग लगे थे 1200 लेबर लगे थे ठीक है। और 1200 लोग लेबर लगे थे और इसके ऊपर जो गोला सा है देख सकते हैं जो श्रमिक वगैरह लेबर वगैरह लगे थे उसको नहीं लगा पाए अच्छे से। तो लेबर लोगों का एक हेड लेबर जो होता है प्रधान श्रमिक बोलते हैं वो हेड लेबर का बेटा जो हुआ था उसका उसका नाम था धर्मपद उसका नाम था धर्मपद और निकनेम धर्मा बोलते थे। वो हेड लेबर का बेटा था छोटा सा था 10-12 साल का वो लगा दिया था ऊपर जाके 12 साल का अंडा हाँ ठीक है। तो वो लगा दिया था तो फिर क्या हुआ था जो 1200 लोग नहीं कर पाए थे स्किल लेबर्स वो धर्मा एक छोटा सा लड़का उनका बेटा वो ऊपर वाला मुंडी उसको मार दिया था। सो बहुत बहुत थैंक्स रमन सन टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए। तो फाइनली जा रहे हैं नीचे मंदिर देखने के लिए। विशाल अंदर नहीं जा सकते अंदर तुम कैसे बोल रहे हो कान वाला तो मेरे पास डिस्कनेक्ट कर दिया था मैं। जैसा कि आपको रमन ने बताया कि ये मंदिर सूर्य भगवान के रथ की तरह बनाया गया है जिसमें 7 घोड़े हैं और ऐसे ही कुछ 24 पहिए हैं जो कि आप देख रहे हो मोदी जी के साथ था। और इसको हम लोग 10 रुपये की नोट पे भी देख सकते हैं। ऐसे ही पूरे मंदिर के चारों तरफ पहिए बनाए गए हैं जिसकी संख्या पूरी 24 है। इस पहिए से हम समय का भी पता लगा सकते हैं जिसमें कि 8 मेजर स्पोक्स हैं 8 माइनर स्पोक्स हैं और हर एक मेजर और माइनर स्पोक्स के बीच में 30 पॉइंट्स हैं। दो मेजर स्पोक्स के बीच में 3 घंटे का लैप्स है और एक मेजर और एक माइनर स्पोक्स के बीच में 1.5 घंटे का डिफरेंस है और एक मेजर और एक माइनर स्पोक्स के बीच में 1.5 घंटे का डिफरेंस। तो 30 पॉइंट मीन्स 1 पॉइंट और एक मेजर स्ट्रोक्स के बीच में 3 मिनट का डिफरेंस।
जब भी समय देखना हो तो व्हील के एक्सल पे कोई ऑब्जेक्ट रख के उसकी परछाई देखी जाती थी उस समय। तो यहाँ आप देख रहे हो बहुत सारी भीड़ है, और यहाँ पर पहले मैग्नेट लगाया गया था। मैग्नेट की कहानी कुछ बड़ी सी है। ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों सूर्य भगवान के बॉडीगार्ड हैं। यहीं पर मैग्नेट लगाया गया था जिसे अंग्रेजों ने उखाड़ के ले गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चुंबक की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार इस समुद्री रास्ते से, चूंकि समुद्र बगल में ही था, तो उस रास्ते से कुछ बाहरी आक्रमणकारी गुजर रहे थे, तो उनके कंपास में कुछ ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने इधर उधर देखा तो ये मंदिर दिखा जिसमें दो बड़े बड़े मैग्नेट दिखे। उन लोगों ने दिखाई अपनी हरकतें, उन लोगों ने पूरे उखाड़ फेंका पूरे दोनों मैग्नेट को। तो कुछ क्षतिग्रस्त भी हुआ है मंदिर। जो पत्थर इसके निर्माण में यूज किए गए हैं वो उदयगिरी और खंडगिरी से लाए गए थे, जो कि चूंकि पहले सीमेंट नहीं होता था तो उस टाइम गुड़ को और जो पत्थरों का चूना होता था उसको और चूने को, पत्थर का पाउडर चूना को आपस में मिला के इनका कंस्ट्रक्शन किया गया था। मंदिर के बाहरी सतह पे मानवीय जीवन से जुड़ी हुई कुछ कलाकृतियाँ बनाई गई है जिसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते अभी। फोकस करने दो कैमरा मैन, जल्दी फोकस करो कैमरा मैन, जल्दी। चलो तो लगे हाथ एक और बात कर लेते हैं। चूंकि पूर्वी दिशा में एक सन डायल था, उसी तरह से एक पश्चिम दिशा में भी सन डायल है। सुबह से 6 बजे से 12 बजे तक का पूर्वी दिशा का सन डायल समय बताता था, उसी तरह से दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक का जो समय था वो पश्चिमी डायल सन डायल बताता था। और दिन का तो समय हमें पता चल जाता था दोनों सन डायल से, अब रात का समय कैसे पता चलेगा। उसके लिए बची हुई 22 जो व्हील थे, 22 आउट ऑफ 24, उसमें से कुछ मून डायल भी थे जो कि हमें रात के समय का भी पता चलता था उससे, जिस पे अलग अलग कलाकृतियाँ की गई थी जो रात में, चूंकि ऐसी चीज थी जो मैं अभी बता नहीं सकता। ये मंदिर के सामने का कुछ दृश्य ऐसा, तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर सूर्य भगवान की दोनों बीवियाँ रहती थी जिनका नाम था छाया देवी और माया देवी। छाया देवी से पैदा हुए शनिदेव जी और माया से पैदा हुई एक बिटिया जमुना। तो पीछे जो आपको गेट दिख रहा है उसके उधर रहती थी माया देवी और यहाँ पर रहती थी छाया देवी। ये कुछ कलाकृतियाँ हैं दीवारों पे जो बनाई गई थी उस वक्त। एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपको अभी बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर आप हटो जी, ये हाँ, यहाँ पर बीच में जगन्नाथ जी का मंदिर है जो कि 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। उसके बगल में है कोणार्क मंदिर जो कि 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी। जय माता दी, लोग इनकी पूजा पाठ करते हैं आज भी। ये हैं माया जी, माया देवी जी। देखो मोटा कुछ वक्त चोरी कर रहा है गार्ड भैया के साथ, कहाँ चला गया। ये है कुआं जिसके बगल में एक किचन भी था जो कि खाना बनाने के काम में जो पानी यूज होता था उसके लिए था। क्या देख रहे हो बे, छूट गया बेटा ने। इधर से जो दूसरा मैग्नेट लगा था इस साइड, ये फ्रंट जोन है, फ्रंट में जो कुछ भी दिखता है। ये पेड़ पीपल का, पता नहीं किसका है, पीपल है क्या पता नहीं, ये किसका है पता नहीं, किसका पेड़ है मुझे नहीं पता, नहीं पता कौन सा। बरगद तो नहीं लग रहा, कुछ और लग रहा है, लग तो नहीं रहा मुझे।
यहाँ मोस्टली लोग फोटो खिंचाने, सेल्फी लेने, वीडियो बनाने आते हैं। पहले हम लोग घूम लिए, अब वापस जा रहे हैं कार के लिए। इसके बाद कहाँ जाएंगे विशाल? अभी जाएंगे हम खाना खाने रेस्टोरेंट, उसके बाद हम जाएंगे चंद्रभागा। अभी जा रहे हैं खाना खाने, उसके बाद चंद्रभागा। ये नवग्रह मंदिर है जिसका आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। लोग दर्शन करने जा रहे हैं, मोटा जा रहा है, रमन जा रहा है। मैं बाहर से ही जय माता जी। बाहर आते हुए हमें एक आर्टिस्ट भाई मिल गया जिसके साथ हमने फोटो कुछ खिंचाई, बात करी। चेंज तो था नहीं हमारे पास। एक शांति होटल बाई तरफ है, इसी का स्पॉट देख। क्या बोल रहा हूँ? शांति होटल इस साइड। होटल क्या करने जाएंगे? खाने खाने आ जाओ। हाँ बहुत देर है यार। टिकट लेते हुए लोग खाने पीने का जो कुछ चाहिए लोगों को यहाँ से लेते हैं। ये विशाल मोटा रमन पता नहीं कहाँ गया। चीज़ें हैं खाने के सामान। घूमने के बाद ये सामान जो छोटे मोटे हाथ से बने ले सकते हैं। मोटा अभी टोपी लिया है। विशाल कुछ लिए नहीं? हाथ से बनी चीजें हैं सब। ये अच्छा है, हाथ से बना हुआ। मैक्सिमम चीजें हाथ से बनी हुई है यहाँ पे। कहाँ से देखें रेस्टोरेंट? हम लोग की पार्किंग कहाँ है? अभी हमें खाना खाना देखते हैं कहाँ मिलता है। अभी हम जा रहे हैं शांति होटल को ही है खाना खाने। फाइनली हम लोग खा लिए हैं, अब जाएंगे पार्किंग के लिए। खाना पीना हुआ खत्म। कौन सा होटल है? शांति होटल। खाना ठीक ठाक था, हमें खाना खत्म हो गया। अच्छे खाना यार, 80 का थाली में बहुत कुछ खिला दिया है। जितनी जितना मन उतना ले सकते हो यहाँ पे। सुबह कैसा क्या करेंगे भैया हम? क्या होगा? 12 यही वहाँ पे 150 दे रहा है। शादी ब्याह हुआ नहीं, क्या करेंगे? तो हालत ऐसी है कि हमारा YouTube हो गया है फ्री, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, बंद करना पड़ेगा या चलेगा, कुछ पता नहीं है। ये लगा तो अपने मोटर माउंट पे हमेशा ग्रीस। अभी बस कुछ दिन की और बात है, उसके बाद हमारा YouTube बंद। हम शायद अब ब्लॉग ना बनाए, ये आखिरी ब्लॉग हो हमारा। सबसे बड़ा यही है इशू कि हम मेहनत करें और व्यूज ना आए, कोई देखे ना, फिर बनाए कुछ लिए। तो हम लोग घूम के वापस आ चुके हैं। मैं और ये हमारी गाड़ी, ये रमन विशाल बस। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं चंद्रभागा में। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं चंद्रभागा बीच में। मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है और पानी का क्या बोलते हो इसको, पानी का क्या बोलते हैं, लहरें लहरें बहुत तेज आ रही हैं। ये देखिए हमारे पीछे, दूर से तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, जब पास जाएंगे फिर तो और एक बार दिख रहा है। ये उसका चारों तरफ का व्यू। विशाल रमन को छोड़ दो, उनको नहीं दिखा सकते।
मैं बीच बीच में फोटो ले लेता हूँ। मस्ट बी सीन। अच्छा अच्छा बता।